वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में दबाएं बेल आइकन को, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर चौहान, स्वागत करता हूं आप सभी का इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने डीएल नंबर को पता कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पे बात ये आती है कि हमें डीएल नंबर पता करने की क्या ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि हमारा लाइसेंस गुम हो गया है और जब हम जाते हैं अपने RTO ऑफिस, वहाँ पर हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पर हमसे अपना डीएल नंबर मांगा जाता है। जी हाँ, तभी वो डुप्लीकेट डीएल इशू किया जाता है। इसके रिलेटेड आज की ये वीडियो है, तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से हम अपना डीएल नंबर फाइंड करेंगे। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से मेरी एक छोटी सी गुजारिश रहे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको यहाँ पर रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन मिल जाएगी, यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। सो दोस्तों, सिंपली आपको यहाँ पे न्यू टैब ओपन करना है। दोस्तों, आप चाहें तो अपने मोबाइल फ़ोन में भी ट्राई कर सकते हैं और यहाँ पर सिंपली आपको सर्च बार में सर्च करना है परिवहन। यहाँ पे जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे जो फर्स्ट वाली लिंक मिलेगी परिवहन सेवा की, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसको आप ओपन करेंगे तो आपके सामने एक पूरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे परिवहन मंत्रालय की ऑफिशियल साइट है, ये ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको आ जाना है सेकंड नंबर पे। आपको यहाँ पे डाउन मेनू में, यहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन सर्विसेज का एक ऑप्शन, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सेकंड नंबर पे यहाँ पे भी दिख रहा है, तो आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेज रिलोड होगा और एक नई वेबसाइट ओपन होगी और ये सारथी की वेबसाइट है, आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सड़क परिवहन मंत्रालय मार्ग है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। अब जिस भी स्टेट से हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूँगा कि मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया और देखेंगे वेबसाइट फिर से रीलोड होगी और इसके बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे डाउन मेन्यू जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने ड्रॉप डाउन खुल जगह है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है फाइंड एप्लीकेशन पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फाइंड एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिया गया है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है फाइंड एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये साइट फिर से रीलोड होगी और इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना स्टेट फिर से सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ पे फिर से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया, इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं UPS सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है RTO नेम, ठीक है। आप यहाँ पे RTO नेम आपका जो भी है वो आप यहाँ पे दे दें, तो जो भी आपका है RTO नेम दे दें। मैं यहाँ पे जो मेरा है वो मैं देख लेता हूँ, तो आप ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे सभी RTO दिए गए हैं। तो ये हमने हमारा RTO सेलेक्ट किया और इसके बाद हमें यहाँ पे हमें अपना नाम देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे अपना नाम देंगे, तो चलिए हम यहाँ पे अपना नाम देते हैं विजय स्पेस, और यहाँ पे अगर आपका मिडिल नाम है तो आप यहाँ पे अपना मिडिल नाम दे सकते हैं। ये एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि आप अपना नाम लिखते समय जो स्पेस वगैरह है वो प्रॉपर ध्यान दें, कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप स्पेस नहीं देंगे और सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये शो नहीं करेगा। अगर स्पेस आपके नाम में नहीं दिया गया था डीएल में और है, अगर आप यहाँ पे दे रहे हैं तो वो शो नहीं करेगा। यहाँ पे अपना नाम लास्ट नेम डालेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे लास्ट नेम डालने के बाद हमें यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप सेलेक्ट कर लीजिए। मेरा यहाँ पे 92 है तो मैं यहाँ पे 92 देख लूँगा और इसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप सेलेक्ट कर लें, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, यही कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है जो यहाँ पे दे रहा है PSI। ये कैप्चा हमेशा चेंज होते रहता है, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से रीलोड होगा और एक नया कैप्चा आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे दिया और इसके बाद जो भी कैप्चा ये हमने रीलोड किया, जो कैप्चा है आया है फिर से हम वही यहाँ पे फिल कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे अपना कैप्चा दे दिए और इसके बाद हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। आपको यहाँ पे नीचे साइड सबमिट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देख सकते हैं कि जो भी हमारे डिटेल्स है वो ये नीचे आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा नाम जो है आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए
देखा और मिल जाए, यहाँ पे मेरे पिताजी का नाम मिल जाएगा और यहाँ पे ट्रांजेक्शन नेम, यानी आप किस लिए, आप जैसे मान लीजिए दो बार तीन बार आप मॉडिफाई करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कुछ नाम चेंज हो कराना हो डीएल में, डेट ऑफ बर्थ सही नहीं हो, तो यहाँ पे वो सारी डिटेल्स दी जाती है कि आप कितनी बार आप यहाँ पे डिटेल्स चेक किए हैं, ठीक है, या फिर आपने करेक्शन कराया है, वो यहाँ पे ट्रांजेक्शन नेम दिया जाता है। अब आपको आ जाना है यहाँ पे गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है, तो हम यहाँ पे गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे नंबर रजिस्टर, जो हमारा रजिस्टर नंबर है वहाँ पे हमें एक ओटीपी सेंड कर दी जाएगी। जी हाँ, अगर आप गेट डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो आपके नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बना दिया, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, हम यहाँ पे गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि हमारे नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दी है। दोस्तों आप जब अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं तो वहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर देते हैं और उसी मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लेते हैं, हमने यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर दिया है। अब देख लेते हैं कि हमारे नंबर पे ओटीपी आती है या नहीं, हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे और जैसे ही ओटीपी आती है तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो हमारे पास ओटीपी अभी भी नहीं है, चलिए मैं एक बार हम फिर से रीसेंड पे क्लिक कर लेते हैं और हमारे नंबर पे ओटीपी आ चुकी है। हम यही ओटीपी यहाँ पे आप फिल करेंगे, जो हमारे नंबर पे ओटीपी आई है वो है 9953796, ठीक है, हमने यहाँ पे फिल किया और इसके बाद हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सो दोस्तों जैसे ही आप ओटीपी फिल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है आपका एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे डेट वगैरह दी जाएगी, यहाँ पे आपके आरटीओ का नाम, यहाँ पे पिताजी का नाम, यहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और इसके बाद मैंने सिक्योरिटी पर्पज से थोड़ा इसको ब्लर किया हुआ है, आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको डीएल नंबर देखने को मिल जाएगा। तो जो भी मेरा डीएल नंबर है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज से थोड़ा सा हाइड करके रखा है। तो आप इस तरह से दोस्तों अपने डीएल नंबर को पता कर सकते हैं और जब भी आप जाते हैं अपना डुप्लीकेट डीएल इशू कराने के लिए, वहाँ पे आपको डीएल नंबर मांगा जाता है और यही आप अपना डीएल नंबर देने के बाद फील कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा कि अगर आपका डीएल गुम हो गया है और आपको अपना डीएल नंबर वेरीफाई करना है, पता करना है, तो आप किस तरह से पता कर सकते हैं। सो दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में बस यही, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।